मौजिद शुराए किराम और साथियों, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है। आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। साथियों, अगर हम कैफी आज़मे के चार मिसरे पढ़ते हैं तो हम कैफी आज़मे अकेडमी को देखते हैं तो हमें एक दरीचा खुला हुआ नज़र आता है। वो दरीचा जिसकी तरफ कैफी आज़मे साहब ने इशारा किया था। कैफी आज़मे साहब पर बात करना, उनके नाम पर मुशायरे मुनक़िद करना, उनके नाम से महफिलें सजाना, ये सब एक इनकलाबी अमल है। इसलिए कैफी साहब ने तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से जो एक इनकलाब बरपा किया था उसको रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। कैफी साहब की शायराना शख्सियत को हम कई हिस्सों में देखते हैं। आप रोमानी शायर थे, इनकलाबी शायर थे, एहतजाजी शायर थे, अवामी शायर थे, फिल्मों में बहुत मकबूल नगमे आपने लिखे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इन सब के पीछे सिर्फ एक ही मसलक हमको नज़र आता है और वो मसलक है इंसान दोस्ती का मसलक। कैफी साहब की कोई भी शायरी, रोमानी से लेकर अब आवामी शायरी तक अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें इंसानी दर्द दिखाई देता है और यही दर्द उनकी शायरी का हिस्सा है। कैफी साहब जब मिजवा से लखनऊ और लखनऊ से मुंबई गए थे तो अपने साथ जो आवाम के आंसू ले गए थे, जो आवाम के खूबसूरत ख्वाब ले गए थे, बड़े शहर की हवाएं, बड़े शहरों की रोशनियां उन आंसुओं को खुश्क नहीं कर सकी थी, उनके ख्वाबों को नहीं ख़त्म कर सकी थी। मैं एक जुमले में अपनी बात ख़त्म करूँगा, फिर अपने शोरा को ज़हमत सुखन दूँगा कि कैफी साहब ने अपने लहू की आग से गरीब आवाम के घरों को हमेशा रोशन रखा है। लेकिन ये आग, ये रोशनी, ये उजाले अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। आप ऑल इंडिया कैफी आज़मे अकेडमी को देखिए, उनकी सरपरस्त आला शबाना आज़मी की आँखों को देखिए, जावेद अख्तर साहब की आँखों में झांकिए, तो वही ख्वाब जो कैफी आज़मी ने देखे थे वो ख्वाब इन लोगों की आँखों में नज़र आते हैं। और ये मुशायरा उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ज़िंदा कौमों की अलामत ये भी है कि वो अपने मोहसिनों को हमेशा याद रखती हैं। हम कैफी साहब को अगर याद कर रहे हैं तो अपने ज़िंदा होने का सबूत दे रहे हैं। इसलिए कि जो कौमें अपने मोहसिनों को फरामोश कर देती हैं, अपने एहसान करने वालों को भूल जाती हैं, तो ऊपर वाला उन कौमों पर मोहसिन उतारना बंद कर देता है। खुदा का शुक्र है कि हम कैफी साहब के एहसानात को याद कर रहे हैं, उनके नाम से ये शमा शेर व सुखन की यहाँ रोशन कर रहे हैं। आज सेमिनार भी था एकेडमी में, बहुत अच्छी बातें हुई हैं उर्दू और कौमी यकजहती के हवाले से। अगर यकजहती का जिक्र होगा तो कैफी साहब को हम फरामोश नहीं कर सकते। वी एन रॉय साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान के फसादात पर कई अहम किताबें लिखी हैं, उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान में अगर फसादात से निमटना है, कौमी यकजहती को फ़रोग देना है, तो हमें कैफी साहब की शायरी, उनके नज़रियात और उनकी फ़िक्र को अपने मुआशरे में उतारना होगा। ये बहुत बड़ी बात है। कैफी साहब ने हमेशा दिलों को जोड़ने की बात की, एक खूबसूरत मुआशरे की तश्कील के ख्वाब देखे और उन्हीं ख्वाबों की ताबीर कैफी आज़मी एकेडमी तलाश कर रही है। आइए हज़रात, बातें बहुत सी हो सकती हैं लेकिन मैं नहीं चाहता कि बहुत गुफ्तगू हो, इसलिए कि शोरा इकराम सब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं यके बाद दीगरे तमाम शोरा को ज़हमत सुखन देता रहूँगा और आप लोग चूँकि शहर लखनऊ से आपका ताल्लुक़ है, अपनी जो अदब नवाजी है उसका सबूत देंगे, ये हमें बिल्कुल भी उसमें तामुल या शक नहीं होना चाहिए। इसलिए कि लखनऊ में आकर शेर पढ़ना भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन लखनऊ आकर शेर पढ़कर खुशी भी होती है। इसलिए कि जो रद्दअमल लखनऊ के सामईन का सामने आता है वो बहुत कम शहरों में देखने को मिलता है। आइए मैं मुशायरे का आगाज़ करूँ और सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि हमारे दरमियान जौनपुर से नई नस्ल के एक शायर तशरीफ़ रखते हैं। जब हम अच्छा अच्छा अच्छा
मैं जिन साहब को बुला रहा था, मुझे अभी मालूम हुआ कि वो अभी तशरीफ़ नहीं लाए हैं। आइए, मैं चाहता हूँ कि अपने किसी दूसरे शहर को ज़हमत सुखन दूँ। मैं चाहता हूँ कि खालिद कैसर साहब, जिनका ताल्लुक़ दरस व तदरीस से है, लेकिन उन्होंने शायरी के हवाले से भी सामईन को मुतासिर किया है, उनको चौंकाया है, उनके दिलों तक पहुँचने की कोशिश की है। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ जनाब खालिद कैसर से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी से आज के इस खूबसूरत मुशायरे का आगाज़ करें। हालांकि आगाज़ तो वसीम साहब के कलाम से हो चुका है, इसलिए मैं समझता हूं कि कैसर साहब का कोई तकल्लुफ़ और नफ्सियाती उलझन नहीं होनी चाहिए। मैं उनसे गुजारिश गुजार हूं, तशरीफ़ लाएं जनाब खालिद कैसर साहब। हज़रत, बिला किसी तमहीद के एक मतला और चंद शेर के तवज्जो चाहूँ। तो ये अर्ज़ किया है कि ये आँखें यूं तुझे तकती बहुत हैं, ये आंखें यूं तुझे तकती बहुत हैं, तेरे दीदार को तरसी बहुत हैं, तेरे दीदार को तरसी बहुत हैं। और ये शेर बतौर ख़ास के, ये आंखें यूं तुझे तकती बहुत हैं, तेरे दीदार को तरसी बहुत हैं, और भिखारी को दिया सिक्का तो ये तो जाना, भिखारी को दिया सिक्का तो जाना, दुआएं आज भी सस्ती बहुत हैं। भिखारी को दिया सिक्का तो जाना, दुआएं आज भी सस्ती बहुत हैं। और एक मतला और एक शेर, दो तीन शेर आपकी नज़र करता हूँ। क्या है कि गैर तो गैर थे, अपने भी जुदा हो गए सब, गैर तो गैर थे, अपने भी जुदा हो गए सब, सबको खुश रखने की कोशिश में खफा हो गए सब, गैर तो गैर थे, अपने भी जुदा हो गए सब, सबको खुश रखने की कोशिश में खफा हो गए सब। और ये शेर के, इन दिनों कोई तकाजा वो नहीं करता है, इन दिनों कोई तकाजा वो नहीं करता है, फ़र्ज़ क्या मुझसे मोहब्बत के अदा हो गए सब, इन दिनों कोई तकाजा वो नहीं करता है, फ़र्ज़ क्या मुझसे मोहब्बत के अदा हो गए सब। और ये ख़बर तुझको कहाँ चैन से रहने देगी, ये ख़बर तुझको कहाँ चैन से रहने देगी, ये ख़बर तुझको कहाँ चैन से रहने देगी, दर्द जो तूने दिए मुझको दवा हो गए सब, ये ख़बर तुझको कहाँ चैन से रहने देगी। बहुत शुक्रिया हज़रत। ये ख़बर तुझको कहाँ चैन से रहने देगी, दर्द जो तूने दिए मुझको दवा हो गए सब। और ये शेर के तक रहा है, बड़ी हैरत से वो खाली तरकश, तक रहा है बड़ी हैरत से वो खाली तरकश, तीर जो उसने चलाए थे खता हो गए सब, तक रहा है बड़ी हैरत से वो खाली तरकश, तीर जो उसने चलाए थे खता हो गए सब। और ये तरक्की तुम्हें कम लगती है खालिद कैसर, ये तरक्की तुम्हें कम लगती है खालिद कैसर, कल तलक जितने पुजारी थे खुदा हो गए सब, ये तरक्की तुम्हें कम लगती है खालिद कैसर, कल तलक जितने पुजारी थे खुदा हो गए सब। और एक मतला और दो तीन शेर के, ज़रा सा आपकी तवज्जो चाहूँगा मैं कि आप जुड़ जाएं ज़रा सा। और मुझे बखूबी एहसास है कि मैं लखनऊ में शेर पढ़ रहा हूँ और आप की भी जिम्मेदारी है कि आप उसी तरह सुने। मतलब यूँ अर्ज़ किया कि अपनी नज़रों में गुनाहगार से हो जाते हैं, अपनी नज़रों में गुनाहगार से हो जाते हैं, दूर हो तुझसे तो बीमार से हो जाते हैं, अपनी नज़रों में गुनाहगार से हो जाते हैं, दूर हो तुझसे तो बीमार से हो जाते हैं, और बस नहीं चलता है जब दिल की ज़िदों के आगे, बस नहीं चलता है जब दिल की ज़िदों के आगे, हम भी इस दिल के तरफदार से हो जाते हैं, बस नहीं चलता है जब दिल की ज़िदों के आगे। बहुत शुक्रिया आज़ाद कि बस नहीं चलता है। मैं, मेरी कोशिश यह है कि मोहतरम शुरा कराम तशरीफ़ फरमा है, इनको सुनने के लिए एक माहौल तैयार हो जाए। मैं तो बहुत अदना और मामूली सा शायर, कि बस नहीं चलता है जब दिल की ज़िदों के आगे, हम भी इस दिल के तरफदार से हो जाते हैं, और तुझको सोचूँ तो मेरी जान तेरी यादों के दिए, तुझको सोचूं तो मेरी जान तेरी यादों के दिए,
दिल के आंगन में जियाबार से हो जाते हैं, दिल के आंगन में जियाबार से हो जाते हैं और मंजिलें ढूंढती फिरती हैं मगर हम खुद हम लोग, मंजिलें ढूंढती फिरती हैं मगर खुद हम लोग अपनी ही राह में दीवार से हो जाते हैं, मंजिलें ढूंढती फिरती हैं मगर खुद हम लोग अपनी ही राह में दीवार से हो जाते हैं। और ये शेर बतौर ख़ास के मैंने रखा है वो मेयारे अदावत जिससे, मैंने रखा है वो मेयारे अदावत जिससे मेरे दुश्मन मेरे गमखार से हो जाते हैं, मैंने रखा है वो मेयारे अदावत जिससे मेरे दुश्मन मेरे गमखार से हो जाते हैं। और गौर किरदारो अमल पर नहीं करते हम लोग, गौर किरदारो अमल पर नहीं करते हम लोग, मुतमईन जुब्बा दस्तार से हो जाते हैं, गौर किरदारो अमल पर नहीं करते हम लोग, मुतमईन जुब्बा दस्तार से हो जाते हैं, अपनी नज़रों में गुनहगार से हो जाते हैं, दूर हो तुझसे तो बीमार से हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया।